नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ टिप्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए 10 बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वह लोग शारीरिक रूप से निर्बल होते हैं तथा वह लोग थोड़े से ही काम करते ही थक जाते हैं और उन लोगों को घबराहट होने लगती है। वह लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि वह थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते ही बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और उन्हें सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये हैं लो ब्लड प्रेशर के लक्षण: सिर में दर्द, चक्कर आना, सिर में भारीपन, जी मिचलाना, कान में धुंधुं की आवाज़ होना तथा लो ब्लड प्रेशर के मरीजों में नपुंसकता के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और आज हम आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने के 10 बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे। पहला उपाय: गाजर खाने या गाजर का जूस पीने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरा उपाय: 50 ग्राम खजूर को दूध में उबालकर हर रोज खाने से तथा दूध पीने से शारीरिक निर्बलता दूर होती है और लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी दूर हो जाती है। तीसरा उपाय: सलाद के रूप में 200 ग्राम खीरे पर नींबू का रस डालकर तथा थोड़ा सा सेंधा का नमक मिलाकर उसे खाने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है और आपकी पेट से संबंधित समस्याएँ भी दूर हो जाती हैं। चौथा उपाय: हर रोज 2 छुहारे दूध में उबालकर खाने से तथा दूध पीने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है और शारीरिक निर्बलता भी दूर हो जाती है। पांचवा उपाय: सेब का मुरब्बा हर रोज 15 दिन तक खाने से लो ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है तथा सेब का मुरब्बा आपकी त्वचा से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। छठा उपाय: आंवले के 20 ग्राम रस में 10 ग्राम शहद मिलाकर हर रोज 15 दिनों तक सेवन करने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है तथा यह आपके पेट से संबंधित स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। सातवां उपाय: अदरक के 5 से 10 ग्राम मात्रा में बारीक पीसकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर खाने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है। आठवां उपाय: 50 ग्राम पुदीने को पीसकर उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, धनिया व काली मिर्च डालकर चटनी के रूप में खाने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है। नौवां उपाय: लो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए पालक, बथुआ, मेथी आदि सब्जियां बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है, जिस वजह से ये लो ब्लड प्रेशर की बीमारी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। दसवां उपाय: हर रोज खाना खाने से पहले 300 ग्राम टमाटर काटकर उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालकर या फिर हर रोज सुबह और शाम 200 ग्राम टमाटर का रस पीने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है और लो ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हर रोज़ ज़बरदस्त हेल्थ टिप्स के बारे में जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।